ठीक ठीक। हेलो प्यारे, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। अच्छे हो तो कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है? यस सर। प्री बोर्ड भी चालू हो गया है ना? यस सर। तो प्री बोर्ड आप सबका कैसा हुआ? अच्छा। ऐसा कोई क्वेश्चन था जो बाहर से आया हो, आपको ना पढ़ाया गया हो? नहीं। सब आया था? यस सर। तो आप सबकी तैयारी भी लगभग कंप्लीट हो गई होगी? यस सर। चलो ठीक है, फिर नैन्सी तुम खड़ी हो जाओ। चलो पहले तुम खड़ी हो जाओ, बताइएगा विवर्तन क्या है? गुड गुड। विवर्तन कहते हैं ना, विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार भी याद है? चलो ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा भाई, इनको कंप्लीट होगा। चलो तुम खड़ी हो जाओ, श्रद्धा खड़ी हो जाइए, तुम भी अतिक्रमण सुना दो। जब समान आवेश की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर इसकी तीव्रता अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर इसकी तीव्रता न्यूनतम होती से व्यतिक्रण कहते हैं। व्यतिक्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, संपोषी और विनाशी। चलो ठीक है, संपोषी क्या है? जहाँ इसकी परिणामी तीव्रता अधिक होती है संपोषी व्यतिक्रण कहते हैं, और जहाँ इसकी परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है विनाशी, उसको विनाशी व्यतिक्रण के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है, तुम खड़ी हो जाओ, नैन्सी खड़ी हो जाए। नैन्सी कहाँ है? ये खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ तुम बोलो अपवर्तन। चलो ठीक है, नैन्सी खड़ी हो जाओ, आप समझने क्षमता बताइए नेत्र की। मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को मानव नेत्र की भी समझने क्षमता कहते हैं। गुड। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपकी आंख होती है दूर की भी वस्तु को देख सकता है और निकट की वस्तु को देख सकता है, यानी आंख जो है आपकी स्वतः फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता हो, समझने क्षमता कहते हैं। ठीक है, अच्छे बताओ लेंस की क्षमता क्या होती है फिर? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इसका मात्रक डायोप्टर। बिल्कुल सही, फोकस दूरी मीटर में। गुड गुड, वाह। जब फोकस दूरी मीटर में क्या बनेगा इसका फार्मूला? बिल्कुल, जब फोकस सेंटीमीटर में होगा तो इक्वल 100 अपॉन एफ। बिल्कुल सही, बैठो। चलो बैठे भैया, आराधना तुम खड़े हो जाओ। दृष्टि दोष याद है? हाँ। याद होगा, निकट निकट। हाँ हाँ, कोई बताए बने निकट दिखाई। बिल्कुल सही, निकट में किसका प्रयोग करते हैं? चलो तुम खड़े हो जाओ, दूर में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल। और दूर देश होता क्या है? निकट की वस्तुएं चलो बिल्कुल सही, तो भाई उल्टा कर दी, देखो परेशानी। बिल्कुल सही, बैठो भैया। और शिफा याद है, तुमसे लास्ट में सुनेंगे अभी। चलो आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, किताब भाई बंद करो। आप क्या बताओगी, अपवर्तन या परावर्तन? चलो अपवर्तन बताइए प्रकाश का। एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, और आपतन कोण की जा परावर्तन कोण की जा नियत अंक होते हैं ना, साइन आई अपान साइन, जिसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, है ना। और अपवर्तन किसे कहेंगे? अपवर्तन की बात अगर किया जाए तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम जाते हैं तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, अपवर्तन कहलाता। बिल्कुल सही, चलो बैठो भैया। अब इसके बाद चलो सबसे पीछे पहुंचते हैं। चलो मोनी जी, चलो तुम बताइए कि बोहर की परिकल्पना क्या है? नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया, और इन्होंने निम्नलिखित तीन नई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। पहला, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग s अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, ठीक, जहां यह प्लैंक नियतांक है, और यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो वह r त्रिज्या की कक्षाओं में v वेग से घूम रहा हो। बिल्कुल सही, उनका कोणीय संवेग mvr होगा, mvr इज इक्वल nh अपॉन 2 पाई। बिल्कुल सही। और दूसरा, अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करते, यद्यपि उनके उनमें अभिकेंद्र बल आगे त्वरण होता, अभिकेंद्र त्वरण, हाँ, अभिकेंद्र त्वरण होता है, अतः परमाणु को अस्थायित्व बना रहता है। बिल्कुल सही। जब परमाणु को किसी कारण बस बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उनका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी
किसी ऊंची कक्षाओं में चला जाता है या प्रवेश कर जाता है। कितने सेकंड में वापस आता है? 10^-8 सेकंड। बिल्कुल सही, गुड। आरबी बराबर EV-E1 अपॉन h, ये ऊर्जा स्तर है। गुड गुड। चलिए इसके बाद तुम किरण खड़ी हो जाओ। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकरण पढ़े होंगे, उसमें आपको पता होगा कि रदरफोर्ड ने किसका प्रयोग किया था? सोने का ही प्रयोग क्यों किया गया बताइए? क्योंकि उसकी आघात वर्धितता ज्यादा होती है। आघात वर्धित, उसको पीट कर हम बहुत पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। और चलिए अब इसके बाद खड़े हो जाओ। क्या नाम? रूपा शर्मा। आप बताइएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़े होंगे ना, उसमें सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी का होगा। और सबसे कम किसका होगा आप बताइए? लाल का। लाल का सही। और ये बताइए जो श्वेत रंग होता है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? याद है? yes, कौन कौन सा? बैजानी, पिनाला, यानी कि विव। इसको आसानी के साथ याद कर पाएंगे, ठीक है। और अब इसके बाद फर्स्ट से कुछ पूछ लेते हैं ना, इसमें कौन बताएगा किरचाप का नियम? किरचाप का नियम कौन बताएगा? याद है? yes, खड़े हो जाओ, फिर सुनाओ तुम ही किरचाप का नियम। किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हाँ, बिल्कुल। सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सही। चलो दूसरा नियम बताइए तुम। हाँ, बराबर होता है। चलो ठीक है, अब इंटरवल होगा, आप लोग जाइए खाना पीना खाइए, ठीक है।